Tinso Choresima, जलसा मुशायरा मंत्री बोला है और आज के प्रोग्राम के तहत आज का जलसा है वो इस बात के लिए खास बात ये है कि आज इधर के विसादत के 30 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 12 जून 1987 को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल मुकम्मल कर चुके हैं इधर के विसादत। मैं खाने मतलब में तकलीफ में तफसीलात पेश करूँगा और मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आज के अजमेर की सदर मोहतरम प्रोफेसर मजीद बेदार साहब अभी तक तशरीफ नहीं लाई। मैं इसलिए कारगुजार सदर के तौर पर मोहतरम महोत्सव जनाब आबिद सिद्दीकी साहब साबिक डायरेक्टर दूरदर्शन न्यूज न्यूज एडिटर से गुजारिश करता हूँ कि वो सदारत का कुर्सी सदारत समाए। आबिद सिद्दीकी साहब के काफ़ी अच्छी बात है दू बदू से ये जुड़े हुए हैं हमारे कर्म परमा हैं मोहसिन हैं। अब मैं इनके दोबारा गौर क्या कहूँ फतावर शख्सियत है हैदराबाद की तालियों के बीच में इनका इस्तेमाल कीजिएगा जरा आबिद सिद्दीकी। मैं प्रोफेसर एस ए शुक्र साहब से अपन गुजारिश करता हूँ कि वो भी टेस्ट करते चले। प्रोफेसर एस ए शुक्र डायरेक्टर सेक्रेटरी उर्दू अकेडमी जो आज तहसील के सदर की रस्म जनाब नाम देंगे वो हमारे दरमियान मैं सब गुजारिश करता हूँ। मैं जनाब डॉक्टर नादर अली मद्रसी साहब से भी अपन गुजारिश करता हूँ वो शहनशीन पते चुनाएँ और जनाब डॉक्टर मीम खान सलीम साहब से और रहीमुल्लाह खान न्यारी साहब से सबक चेयरमैन उर्दू अकेडमी से भी अपन गुजारिश है कि वो टेस्ट करते चुनाएँ। जनाब मीम खान सलीम साहब بسم الله الرحمن الرحيم
What?
Mulia, kembali ke kami sekali. Kenapa ini saya makan ini sahab sekarang telah melihat sama Bapak Ayah. Apa yang jenak Yusuf Ramish sahab se ada pun mulai sekarang ke Bukai sekarang Nanti Syarif Pesh Jenak Yusuf Ramish یہ جناب یوسف نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ख्वाजा डॉक्टर फरीद खान डॉक्टर ख्वाजा फरीदुद्दीन साहब साहब से मैं मुंतजिम हूँ कि वो आज के जलसे पे खैर मुकदमी तकरीर करें वेलकम एड्रेस स्वागत मुझे जाहिर नाम जनाब सदर की इजाजत से मैं कुछ ख्याल अपने सामने रखता हूँ दरअसल खैर मुकदमी कानूनी तकरीर में मैं बहुत अच्छे साथ से काम लेते चंद बातें आपके सामने रखूँगा उसके बाद रिसर्च स्कॉलर मोहसिन खान साहब हमारी किताब बन रहा है जो इधर है जो सब्जेक्ट है उसमें से चंद खिताबात आपके सामने रखेंगे उससे आपको एक झलक दिखेंगे कि इधर है जो सदर कैसा काम कर रहा था और उसके बारे में लोगों की क्या है और आइए आज का ये जलसा जो मुनद किया गया है दरअसल तीन बातें इसमें बहुत ही अहम है सबसे पहले तो ये कि बरफल आज मेरी सालगिरह है इधर सदर के बानी सदर की हिस्से से आप हमारा हजरात के सामने मैं अपनी सालगिरह मना रहा हूँ ये मेरे लिए बड़े बात है फख्र की बात बहुत बहुत शुक्रिया और दूसरी बात यह कि मेरी 45वीं किताब का सेकेंड एडिशन दर्ज के साधन जो पी एच डी के मेरे मेखाने पर मबनी है और जिसे उदयगढ़ मैंने हमारी गाँव से नवाजा है और हिम्मत हुई मुझे उसके दो एडिशन मैं शुक्र साहब के हौसला अफजाई से जो तमाम शुरा अखबार को कर रहे हैं मैं दो एडिशन उसके 2017 में है और 2018 में है तो उसका आज रस्म जरा प्रोफेसर शुक्र साहब के हाथ में अमल में आया तीसरी बात यह है कि इधर 12 जून 1987 को इसका बाला था गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश में रजिस्ट्रेशन कराया गया था काम तो हम बहुत पहले से कर रहे थे लेकिन लोगों ने मशवरा दिया कि जब आप इतना काम कर रहे थे अदबी अनुमन का ख्याल करें उसका बाला था रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि बहुत बड़े बड़े पैमाने पर आप काम कर सकें लोग के मशवरे पर हमने फिर उसको रजिस्ट्रेशन कराया तो आज पूरे 30 साल मुकम्मल हो चुके हैं 30 साल 6 माह हो चुके हैं इस 3 सालों में हमने क्या किया वो आपके सामने है बहुत से लोग यहाँ पर जानते हैं जो लोग नए हैं उनके लिए क्योंकि इदारा के मिसालत वो वाहद इदारा है जो इस अरसे में 384 मुशायरे मुनद कर चुका है 384 मुशायरे और बेशुमार एतराफ खिदमत में तकरीबन 200 से ज्यादा एतराफ खिदमत के दर से हमने की है और लोगों को तौसीफ नामे और अवार्ड शाह खुशी की पोशी से दर से नवाजा है 200 ऐसे लोग हैं जिनका हमने एतराफ खिदमत का जलसा किया है यहाँ पर डॉक्टर नादिर मदरसी हैं जिसका हमने एतराफ खिदमत का जलसा किया आबिद सिद्दीकी साहब हैं जिनका हमने एतराफ खिदमत का जलसा किया शुक्र साहब हमारे डॉक्टर चाहता हूँ कि इन तमाम हजरात के हमने एतराफ खिदमत का जलसा किया डॉक्टर नादिर मदरसी साहब का एतराफ खिदमत का जलसा किया गया डॉक्टर आबिद सिद्दीकी साहब का एतराफ खिदमत का जलसा किया गया डॉक्टर यूब खान सलीम का जलसा एतराफ खिदमत का जलसा किया गया और सबसे पहले डॉक्टर सलीम आबिद साहब का जैसे हैदराबाद खिदमत भी हमने किया हैदराबाद का कोई ऐसा शहर सीनियर नहीं हमसे जुड़ा था अजला का कोई ऐसा शहर हमसे नहीं जुड़ा जिसका हमने हैदराबाद खिदमत में दोषी नहीं किए हमारे सामने मुंशी साहब अली बाबा दरबन साहब भी हैं और यूसुफ रई साहब का भी हमने हैदराबाद खिदमत में दोषी किया तो हमारा रास्ता ये है कि जो उर्दू अदब का काम कर रहा है उसके हमने हौसला अफजाई की तहनीती जलसे तो बेशुमार तहनीती जलसे मना कर खास बात यह है कि हमारे इदारे में 7 रोज़ा जश्न उर्दू 8 रोज़ा जश्न उर्दू और 11 रोज़ा जश्न उर्दू भी मनाकर किया गया मुसलसल 11 रोज़ तक मुशायरे गए मुसलसल 11 रोज़ तक अदबी इजलास का इनका था मुसलसल 11 रोज़ तक जो है ना अदबी महफिलें सेमिनार सिम्पोजियम मनाकर करते गए 11 रोज़ तक मैंने समझता कि ऐसा कोई सरकारी इदारा क्यों होगा जो मुसलसल 11 रोज़ तक उर्दू अदब के जलसे और मुशायरे मनाकर किए हुए जिसमें गैर मनकूद मुशायरे भी थे फिल्मी मुशायरे भी थे हमदिया नादिया बदल के मुशायरे भी थे और तरह मुशायरे भी थे गैर तरह मुशायरे भी थे इस तरह इदारा का सदर मसरूफ रहा उर्दू दुनिया को भी मसरूफ रखा और इससे हट के इन मुशायरों से हट के हमने नुमाइश सोसाइटी में आज 70 साल की नुमाइश सोसाइटी 67 साल की जो भी इसकी तारीख है उसमें सिर्फ एक मुशायरा सवाती नियर साहब करते थे और मैं जब जाके सोसाइटी वालों से पूछा कि मुझे भी एक मुशायरा चाहिए तो एक कर रहे ना मुशायरा तो मैं उनको बोला भाई बदल बदल के कई फर्क करें आपने बदल आपने सुना लिया आप उनसे नहीं कहते कि बदल मत कर बिगड़ो कि हम हो गए ना बदल ऐसा तो आप नहीं कहते बहरहाल बड़ी जद्दोजहद के बाद मुझे वहाँ पर महफिल अफसाना गाने का दामन में लाने दिया गया जो कि एक तारीख है हमारी सोसाइटी में आज तक महफिल अफसाना गाने का दामन में नहीं आता उसकी हमारी सोसाइटी की तारीख में तो वहाँ पर महफिल अफसाना का मुनाजिर किया
फिर मैंने अध्याय मुशारे उन्होंने की वहाँ मैंने संजीदा मुशारे उन्होंने की उसके बाद दीगर इदारे भी उन्होंने सोसाइटी के प्रोग्राम्स लेने लगे वो बाहर अदब साधा का पहला इदारा था जो मुशारा मुनासिब किया वहाँ तो बहरहाल कई एक बातें हैं जो मुख्तसर वक्त में मैं कह नहीं सकता किताब अल्राय में अब तक 340 से ज़्यादा हजरात अपनी राय दर्ज कर चुके हैं और उस किताब अल्राय को हमने शाया भी किया है उनकी आरा वो जो यूरोप अमेरिका कनाडा मिडिल ईस्ट जहाँ जहाँ उर्दू की आबादी है जहाँ जहाँ से लोग यहाँ आते हैं हमारे इदारे में बुलाए जाते हैं तो उन्होंने उन्हें कहा हैदराबाद के सामर मुमताज शुराय कराम अदीब साहब के हजरात की भी राय इसमें मौजूद है यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनकी आरा उसमें मौजूद है सबसे पहले जो इसमें किताब अल्राय में दर्ज राय अपनी राय दर्ज की थी बच्चों का एग्जाम दिया था उन्होंने उर्दू के हम क्लासेस भी मुनद करते थे और उनके इम्तहान भी देते थे तो खलील रहमान मरहूम एम पी साहब और आपके न्याजी साहब रहीमुल्लाह खान न्याजी साहब उस वक्त बहुत ही करम फरमा थे हमारे वो लोग आए हमारे इदारे को और आकर उन्होंने हमारे इदारे के बच्चों का इम्तहान जो है दे रहे थे बच्चे उसमें हिंदू मुस्लिम सिख सब हर कौम का बच्चा था केरला के बच्चे थे आपके तमिलनाडु के बच्चे थे तो उनके उर्दू जो हमने उनको सिखाया था उनका इम्तिहान लिया जब बच्चे इम्तिहान ले रहे थे तो उनका भी इम्तिहान उन्होंने लिया उसके बाद अपनी राय में दर्ज की कि हमने देखा है कि तेलुगु मीडियम के बच्चे उर्दू मीडियम के बच्चे जिनके मादरी जबान उर्दू नहीं है उन्होंने भी हमारे सामने उर्दू बड़ी आसानी से पढ़कर सुनाया लिखकर सुनाया तो ये काम हमने किया लेकिन बाद में सियासत वालों ने बड़े पैमाने पर उर्दू जानकर दबाने का काम जब शुरू किया तो हम दीगर दूसरे हमारे तवानाइयाँ हम दूसरी तरफ हम सर्व करने लगे पर अगस्तना ये कि जो भी हो सका हमने किया हमने काम किया शायद इस वक्त हमारा कुछ नाम भी वाले नाम के लिए हमने काम नहीं किया काम किया इसलिए नाम वहाँ होगा लेकिन बहरहाल अर्ज करना यह है कि कुछ खामियाबी होगी कुछ गलतियाँ भी होंगी लेकिन हमने मजबूत तौर पर लोगों की आरा देखकर हमें बड़ी खुशी होती है उस बात भी की कि वो लोग बराबर इदारे के कारगुजार सलाहते रहते हैं और जब से शुक्र साहब डायरेक्टर बने उनके कड़े भी माशाल्लाह माशाल्लाह कई किताबें शायद हो चुकी इससे पहले काम बिल्कुल रुका आपके आने के बाद से ये काम फिर से शुरू हुआ और कई लोग इससे मुस्तफ़िद हो रहे हैं तो भला लाइए हजरत इस छोटी सी तकरीर के बाद मैं चाहता हूँ कि मोहसिन खान साहब आए और अपने कितने सवाल थे कितने पास आते थोड़ा सा किताब राय के बारे में मोहसिन खान साहब तशरीफ लाएँ और अपने किताब राय में से दस सवाल पेश करें पहला मोहसिन खान रिसर्च स्कॉलर उसके बाद यूसुफ अली साहब की तकरीर होगी उसके बाद किताब के रस्म जाए स्टेज पर तशरीफ फरमा जनाब नाजिम अली साहब जनाब नादिर मस्तूसी साहब जनाब रहीमुल्लाह खान नाजी साहब जनाब आबिद सिद्दीकी साहब जनाब प्रोफेसर असद शुकूर साहब जनाब नूर खाफ सलीम साहब और आज के तायर महफिल और बड़े हुए तो नहीं बोल सकते बड़े मैन जनाब ख्वाजा फरीदुद्दीन सादिक साहब जिनकी हम कितर अभी सालगिरह मना रहे हैं और इस महफिल में शरीक तमाम उर्दू अदब से रखने वाले शख्सियतों का तो मेरा सलाम आज मैं सादिक साहब की मुकम्मल शख्सियत और इदारे पर रोशनी डालने की कोशिश करूँगा हैदराबाद का मायना सुकूत हकीम और डॉक्टर जनाब ख्वाजा फरीदुद्दीन सादिक एडवोकेट इंजीनियर और जर्नलिस्ट की नज़र में दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसानों में मुख्तलिफ सलाहियतें दी हैं और हर एक का एक शौक़ होता है अगर शौक़ जुनून में तब्दील हो जाए तो ये कैफियत ही अलग होती है और ये शौक़ खिदमत खल्क और किसी अच्छे काम के लिए हो जिससे सबका फ़ायदा होता है वो इससे दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाती है सरजमीन दक्कन और खुलूस रिक्शा की ज़मीन जिसने हमेशा से उर्दू को एक नया मुकाम दिया है उर्दू जहाँ भगवान चढ़ी आज भी हैदराबाद सारी दुनिया में उर्दू जबान और यहाँ की मेहमान नवाजी से पहचाना जाता है आज जहाँ उर्दू जबान के खात्मे का सब होना हो रहे हैं और इसको लेकर फिक्रमंद नज़र आते हैं और महफिलों में तरह तरह की बातें करते हैं लेकिन हमारी मैदान में बहुत ही कम लोग नज़र आते हैं ऐसे में अल्लाह ताला ने उर्दू के खादिम के तौर पर हमारे दरमियान जनाब डॉक्टर ख्वाजा फरीदुद्दीन सादिक साहब को भेजा है जिनका उड़ना बिछोना और रोज़मर्रा के हर काम उर्दू और उर्दू की खिदमत है और आपका असल नाम ख्वाजा फरीदुद्दीन और खुफिया सादिक है और तखलु
فرماتے ہیں حلمی نام حکیم اور ڈاکٹر خواجہ فریق الدین صادق ایڈوکیٹ انجینئر اور جرنلسٹ ہے. آپ کی پیدائش ہندوستان کی آزادی سے 7 برس قبل 19 جنوری 1947 کو ہوئی. آپ نے شہر حیدرآباد کی مسند ندی کے کنارے واقع مہرے عثمان شاہی اوپرو سالارٹن میوزیم کے علاقے میں بچپن گزارا. آپ کی تعلیمی قابلیت منفرد اور اردو والوں کے لیے فخر کی بات ہے. آپ نے ہندوستان میں سب سے زیادہ ڈگریاں حاصل کی ہے. آپ نے بی کام، بی ایس سی، ایل ایل بی، بی سی جے، بی پی آر، ایل ایل آئی، ایس سی، ایم اے اردو، تاریخ، فلاسفی، آرکیالوجی، ایل ایل ایم، ایم فل اسلامک اسٹڈیز اور پی ایچ ڈی اردو لٹریچر سے کیا ہے. آر ایم پی، پی آئی ایم، پی آئی ایم یو ایس کے علاوہ پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما اور بیرونی ریاست کے کئی یونیورسٹیوں سے کئی ڈپلوما کورسز کیے ہیں. اتنی تعلیمی قابلیت اور ڈگریاں حاصل کرنے کے باوجود آپ رکے نہیں ہیں اور اپنے تعلیم کا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں اور مزید پوسٹ ڈاکٹریٹ فیلوشپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. آپ خدمت خلق کے مختلف میدانوں میں بھی کام کر رہے ہیں تاکہ قوم و ملت کی خدمت کرتے ہوئے آخر کو سنوار سکیں. آپ ایک ہماری شخصیت کے حامل ہیں. آپ باوقت واحد فزیشین، فلاسفر، لیگل ایڈوائزر، صحافی، اسٹوری رائٹر، ایجوکیشنسٹ، سائنسداں، شاعر، تاریخ دان، آرکیالوجسٹ، جرنلسٹ اور انجینئر ہیں. آپ کے ریکارڈس کی بات کی جائے تو ہندوستانی مسلمانوں اور خاص کر حیدرآباد سب فخر سے بلند ہو جائے گا. آپ نے ہندوستان میں اقلیتوں میں سب سے زیادہ ڈگریاں حاصل کرنے کا احساس کے علاوہ غیر منقوط غزلیں اور صرف خافیہ ندی پر اپنی غزلیں لکھنے کا اور 2 منٹ 40 سیکنڈ میں فلم بدی مشاعرے میں غزل لکھنے کا ریکارڈ، 222 مطلوب پر ذات مبارک لکھنے کا ریکارڈ، دنیا کی طویل ترین غزل 16,666 اشعار پر مبنی 3,333 غزل لکھنے کا ریکارڈ جسے دمکا بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کیا گیا ہے اور اسے حکومت آندھرا پردیش اردو اکیڈمی نے گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کرنے کی تحریری طور پر نمائندگی کی ہے. 30 شعری مجموعے، 11 نثری کتابیں اور انگریزی زبان کی 3 کتابیں جو قرآن، حدیث اور ماحولیات پر مبنی ہیں شائع ہو کر قبول ہو چکی ہیں. آپ کی تازہ تصنیف جو کہ تحقیق صادق ہے اس سے قبل آپ کی اور ایک تصنیف گلدستے صادق کا 18 دسمبر 2016 کو سیمینار اور دیگر پروگرام کے دوران درمیان خاصی محمد سراج الدین کے ہاتھوں اسمیت ڈرامہ میں آیا تھا. اس موقع پر شہر کے سینئر شاعر صلاح الدین نیر، اسلم فرشوری، ڈاکٹر بیم خان سلیم اور شہر کی دیگر شخصیات موجود تھی. مرحوم ڈاکٹر علی احمد جلیلی صادق صاحب کی طویل ترین غزل کے حوالے سے لکھتے ہیں، صادق کا چونکا دینے والا تجربہ یہ ہے کہ کبھی عام کے برخلاف انہوں نے اپنی غزل کے اشعار کی تعداد کو محدود نہیں رکھا، یہاں تک کہ یہ تعداد 8,888 پر مبنی ہے، لیکن یہ غزل 16,066 اشعار تک پہنچ چکی ہے. 600 اشعار تک پہنچ گئی ہے. ڈاکٹر صادق کی طویل ترین غزل کے بارے میں ڈاکٹر رؤف خیر لکھتے ہیں کہ ادارے عدل صادق کے کرتا دھرتا ڈاکٹر خواجہ فرید الدین صادق کی محنتیں لائق تحسین ہے کہ عشق و جنون کامیابی کی پہچان ہے. اللہ کرے یہ ادارہ ہر سطح پر کامیاب کرے. جہاں تک ان کی طویل ترین غزل کا معاملہ ہے، اس سلسلے میں ڈاکٹر خواجہ فرید الدین صادق کا نام گینیس آف ورلڈ ریکارڈ میں درج ہونا چاہیے تو یہ حیدرآبادیوں کے لیے فخر کی بات ہوگی. طویل ترین غزل کے بارے میں ڈاکٹر سید محی الدین خاطری زور سوری خاطری صاحب صدر شعبہ اقوام کالج حیدرآباد فرماتے ہیں کہ بحیثیت مقیم امین اللہ بحیثیت مجموعی صادق مبارکباد کے مشتق ہے جنہوں نے ادبی دنیا کو ایک طولانی غزل دی ہے اور جو کہ آپ کے نام کو ملک اور بیرونی ملک شہرت دلانے کے لیے کافی ہے اور عالمی ریکارڈ کی گینیز بک میں اس غزل کے باعث آپ کا نام شامل ہو سکتا ہے. حیات لے کر چلو، کائنات لے کر چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کر چلو. جس اشعار پر عمل کرتے ہوئے، شعر پر عمل کرتے ہوئے ڈاکٹر صادق نے ادارے عدل صادق کی بنیاد 1985 میں ڈالی اور 1987 میں اس کا باضابطہ رجسٹریشن عمل میں آیا. ادارے کا مقصد فروغ اردو ادب ہے جس کے تحت اب تک 367 ادبی اجلاس، سیمینار، مشاعرے، جلسے، اعتراف خدمت اور تحریری جلسوں کا انعقاد عمل میں آ چکا ہے. اس ادارے کے تحت 7 روزہ
आदरता जश्न उर्दू आदरता जश्न उर्दू यादरता जश्न उर्दू आइडल खान भवन में लाया जा चुका है, जिसके तहत शहर के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल रविंद्र भारती मौलाना आजाद हॉल बाग़े आबा में शानदार पैमाने पर मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनद्दिद किए गए थे। डॉक्टर सादिक समाजी शुक्र गुजार भी हैं जो मुफ्त मेडिकल कैंप्स और लीगल कैंप्स का अहतमाम करते हैं ताकि समाज में लोगों की मुश्किलों को हल किया जा सके। 43 साल से डॉक्टर आजा फरीदुद्दीन सादिक मुफ्त तिब्बी मेडिकल कैंप का अहतमाम अमल में लाकर समाज की खिदमत कर रहे हैं। इस सलम इलाकों नायज पसमंदा बस्तियों में घर घर जाकर तिब्बी खिदमत अंजाम देते हैं। वैसे तो डॉक्टर उन्होंने 43 सालों में सैकड़ों मरीजों का मुफ्त इलाज किया है, इसके अलावा मुफ्त लीगल्स कैंप का अहतमाम करते हुए लोगों की रहनुमाई करते हैं। मुफ्त उर्दू और दीनियात की तालीम का भी इंतजाम इदारे की जानिब से किया जाता है। तालीम की अहमियत और इफादियत को उजागर करने के लिए तुलबा में तहरीरी और तफरीरी मुकाबले सिम्पोजियम और सेमिनार्स का भी इनेकाद अमल में लाया जाता है ताकि नौजवान नस्ल उर्दू से जुड़ सके। डॉक्टर सादिक की इल्मी अदबी शेरी और जितनी हामी सियासी और दीगर खिदमात को तहरीर तौर पर सलाते हुए इदारे अपने सादिक की किताब 308 से ज़्यादा इल्मी और अदबी सियासी अदबी और दीगर शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले हजरात थे, इनकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए मुख्तलिफ राय जाहिर की है, जिनमें काबिले जिक्र जनाब खलीलुर्रहमान साबिर रुकन पार्लियामेंट, जनाब रऊफ खैर साहब, सलाउद्दीन नैयर साहब, प्रोफेसर अखिल हाशमी, प्रोफेसर रियाज लतीफ, अनीम बाबर, मुर्शिद जलगावी, तालिबुल मेरी, नसीमुद्दीन फरीस, डॉक्टर बे